अब केस स्टडी का क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। सारा काम जो हम यहाँ करेंगे वो एक लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड मतलब जो उल्टे हाथ से काम करता है ऐसा बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में करेंगे। अब जनरली ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। तो उसने कुछ इवेंट्स बना रखे हैं। पहला इवेंट ए है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। जब दोनों माता पिता ही लेफ्ट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के भी लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस ज्यादा होंगे और वो हैं 24%। जब फादर राइट हैंडेड है मदर लेफ्ट हैंडेड है तब 22% है। सी इवेंट है फादर इज लेफ्ट हैंडेड मदर इज राइट हैंडेड तब 17% है। डी इवेंट है व्हेन बोथ आर राइट हैंडेड। अब यहां पर उसने सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं। अज्यूमिंग दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी ये हमें 1/4 दे रखा है एंड एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड जो चाइल्ड है वो लेफ्ट हैंडेड है इस बात की इवेंट को दिखाता है। अब देखो ये सब उसने बनी बनाई दे रखी हैं तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो ये कहता कि ये ना दे करके सीधा सीधा बोलता कि भाई पेरेंट्स पर डिपेंड करता है तो आप देखो एक सैंपल स्पेस हम बनाते कि भाई एल जहां पर डिनोट करता है लेफ्ट हैंडेड होने को और आर डिनोट करता है राइट हैंडेड होने को और पहली प्लेस पर फादर दूसरे पर मदर। तो हो सकता है दोनों फादर मदर लेफ्ट हैंडेड हों पहला लेफ्ट हैंडेड दूसरा राइट हैंडेड राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड और दोनों ही राइट हैंडेड। अब आप चेक कर लो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 बी की 1/4 सी की 1/4 डी की 1/4 बट यहां पहले से दे रखी है तो ये काम अब हमें यहां पर नहीं करना। इसके बाद अब आप देखें कि हमें यहां पर पी एल बाई ए यानी कि ए इवेंट पहले से हो चुका है यानी कि बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 24% यानी कि 24/100। पी एल बाई बी जब बी इवेंट हो चुका है तब बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 22/100। पी एल बाई सी वो है 17%। पी एल बाई डी है 9%। तो ये हमने जो वो प्रोबेबिलिटीज उसने दे रखी थी सभी को लिख लिया। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कह रहा है फाइंड पी एल बाई सी। पी एल बाई सी हमें निकालना है तो पी एल बाई सी तो हमने पहले ही दे रखा है उसने केवल लिखना है हमें दैट इज 17/100 पहला हो गया। दूसरा कह रहा है फाइंड पी एल कॉम्प्लीमेंट बाई ए। सेकेंड वन इज पी एल कॉम्प्लीमेंट बाई ए। आप समझें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लें एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए। पी एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस दोनों के इंटरसेक्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर एल इंटरसेक्शन ए लिख लो।
आप देखो कि ए और एल के इंटरसेक्शन को यदि हम घटा देंगे ए में से, तो पी एल कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, एल कॉम्प्लीमेंट का और ए का। अब नीचे है पी ए, पी ए को दोनों में के अपॉन में लिख दें, तो यहां आएगा पी ए अपॉन पी ए माइनस पी एल इंटरसेक्शन ए ओवर पी ए, ये हो गया वन माइनस। आप इसको ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पी एल बाई ए का फॉर्मूला है, पी एल बाई ए। अब आप देखो तो पी एल बाई ए दे रखा है 24/100, यहां पे आ गया 1 माइनस 24/100, एलसीएम इज 100, 100 माइनस 24 ये आ गया 6, 76/100, और इसको हम कैंसिल करना चाहें 19/25, तो ये आ गई सेकंड की प्रोबेबिलिटी। थर्ड, थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का ए पार्ट कह रहा है फाइंड पी ए बाई एल, हमें निकालना है पी ए बाई एल। अब आप देखो कि पी एल बाई ए तो आपके पास है, हमें निकालना है पी ए बाई एल, तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब वो लेफ्ट हैंडेड है इस बात की प्रॉब्लम, ये हो चुका है लेफ्ट हैंडेड वो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। सो बाई बेज थ्योरम, बाई बेज थ्योरम पी ए बाई एल किसके होगा, पी ए इंटू पी एल बाई ए अपॉन पी ए पी एल बाई ए प्लस पी बी इंटू पी एल बाई बी प्लस पी सी इंटू पी एल बाई सी प्लस पी डी इंटू पी एल बाई डी। दैट इज, अब सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं, बारी बारी पुट कर दो। पी ए है हमारे पास 1/4, पी एल बाई ए है 24/100, अगला है 1/4 इंटू 22/100, 1/4 इंटू 17/100, 1/4 इंटू 9/100, ऊपर एलसीएम आ गया 24/400 और नीचे भी आ गया 400 एलसीएम, 24 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 9 ये इससे कैंसिल हो गया 24 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 9, 7, 16, 18 और 4 हो गया 22, कैरीज 2, 7, यानी कि 1/3। तो यहां पर ये पी ए बाई एल क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी वाला पार्ट। अब थर्ड का बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, या फिर और वाला पार्ट थर्ड का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। ये हमें दे रखा है कि आपका उनमें से एग्जैक्टली वन पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड है। अब वन पेरेंट लेफ्ट हैंडेड एक तो बी और एक सी के अंदर है, इन दोनों में केवल एक ही पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हेन इट इज गिवन, दे क्या रखा है कि या तो बी या सी इवेंट है आपका, मतलब या तो बी होगा, बी में भी एक ही पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है, या फिर सी होगा, सी में भी एक पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे
एल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ओवर, नीचे आएगा पी बी यूनियन सी। अब ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी एल इंटरसेक्शन बी और यहां आ जाएगा यूनियन एल इंटरसेक्शन सी और नीचे आ गया पी बी यूनियन सी। आप समझे, वी हैड अ फॉर्मूला, क्या होता है पी ए यूनियन बी हमारे पास होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे जो ए सारे इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, किसी का किसी के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी के। दैट इज, तो यहां पर ये ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा पी, क्या बन जाएगा पी ए, यानी ये वाली वैल्यू आएगी पी एल इंटरसेक्शन बी प्लस पी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये बी का काम कर रहा है, पी एल इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो मैं उसको इनके प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूं, पी एल इंटरसेक्शन बी डॉट पी एल इंटरसेक्शन सी। और नीचे भी सेम फॉर्मूला लगाइए, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी डॉट पी सी। अब इतना काम तो हो गया, आप पूछे सर पी एल इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखो कि मेरे पास क्या होता है, पी एल बाई बी को मैं लिख सकता हूं पी एल इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इस पी बी को इधर ले आओ, इसको यहां रहने दो, तो पी एल इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया पी एल बाई बी इंटू पी बी। तो सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, पी एल बाई बी इंटू पी बी, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो पी एल बाई सी इंटू पी सी और यहां पर भी पी एल बाई बी इंटू पी बी पी एल बाई सी इंटू पी सी। और नीचे तो सारी वैल्यूज हमें पता ही हैं, ये 1/4, ये भी 1/4, 1/4 डॉट 1/4। पी एल बाई बी की वैल्यू है 22/100 और ये है 1/4। पी एल बाई सी है 17/100। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, सो बी केयरफुल, 22/100 इंटू 1/4, 17/100 इंटू 1/4। और नीचे एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम आ गया 16, तो 4 + 4 - 1। ऊपर एलसीएम लें तो 400 इंटू 400, ऊपर एलसीएम आएगा आपका 1,60,000। ये 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 400 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो 8,800 प्लस 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा और 17 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 6,800। और यहां पे एलसीएम 1 आएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा 374 और नीचे है आपका 8 - 7/16। ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा और इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 15,600 और 374 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 9 - 7 = 6 और यहां पे आ गया
दिस इज 5 माइनस 3 इज 2, 15 2 2 6। तो यहाँ आ गया 15 2 2 6 ओवर 1,60,000 मल्टीप्लाई 16 ऊपर 7 नीचे, 16 से ये कैंसिल हो गया और 7 से इस 15 2 2 6 को डिवाइड कर लो। तो ये आ गया 2175.1 ओवर 10,000। अब चार जीरोज हैं तो चार डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, 0.217 या फिर 0.22 हम लिख सकते हैं। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ लेफ्ट हैंड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हेन इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। यहां से फॉर्मूले बनाने हैं और उसके बाद तो फिर सिंपली वैल्यूज पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा।